गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन्स के तीन लॉ हैं, तीनों इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, तो फर्स्ट लॉ आपको ध्यान रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर मोशन में है तो वो क्या करेगा, मोशन में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखा है, इट स्टेट दैट बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या है, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, एंड मोशन विल इट रिमेन इन मोशन, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, मीन्स अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में, एंटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। जैसे मान लो ये बाईसाइकिल है, साइकिल है, ठीक है, अगर इसको हम पैडल नहीं घुमाएंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये क्या रहेगी, तब तक ये क्या रहेगी, रेस्ट के अंदर रहेगी, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, पैडल्स लगाए तो फोर्स लगाया तो क्या हो गई, ये चलना स्टार्ट हो गई, मोशन में हो गई, पहले ये रेस्ट में थी फिर किस में आ गई, मोशन में। तो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ, तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ वी नीड टू राइड ए बाईसाइकिल, मीन्स अगर हम एक बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं, वी नीड टू पैडल, इट कैन मूव 2 आवर्स, मीन्स ये अपने आप मूव नहीं करेगी, हमें इसके पैडल को चलाने की जरूरत पड़ेगी, इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन पैडल्स इट राइड, अगर हम इसके पैडल्स पे जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या, सिमिलरली इफ वी नीड टू चेंज इट्स डायरेक्शन, जैसे मान लो हमें कोई भी गाड़ी है उसके अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम इसका जो ये वाला स्टीयरिंग है, व्हील है, इसको घुमाएंगे तभी तो घूमेगा, तो वी नीड टू अप्लाई फोर्स, तो हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी ये क्या होगा, अपने डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब इन सभी के कारण क्या होता है, इनर्शिया। अब ये आपके लिए नया आया होगा, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब यही होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो किस इन सब का रीज़न क्या है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, मोशन में है तो वो मोशन में रहने की, तो इन सब का रीज़न क्या है, इनर्शिया। तो फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट, मीन्स इन सब के पीछे किस कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, फॉर एनी चेंज इट इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या है ये इनर्शिया, इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, होती क्या है, ये एक इनहेरियंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरियंट का मतलब ये जो भी है, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने उसको बनाया है, पहले से ही मौजूद है। इनहेरियंट प्रॉपर्टी दैट इज प्रजेंट इन ऑल बॉडी फ्रॉम टाइम टू देयर ओरिजन, मतलब जब से उनका ओरिजन हुआ है तभी से वो उसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन ऑर्डर टू मूव और चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी वी नीड टू ओवरकम इनर्शिया, मीन्स हमें इस इनर्शिया को पार करना होगा, अगर मीन्स कोई ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब हम उसकी इनर्शिया को ओवरकम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इनर्शिया होती क्या, देखो इनर्शिया की यहाँ पे डेफिनेशन है, इनर्शिया इट इज़ ए प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट टू चेंज इन द बॉडी बाय इट्सेल्फ, मीन्स ये क्या करती है, रेसिस्ट का मतलब रोकना, तो चेंज लाने से रोकती है, कोई भी बॉडी है उसको खुद से चेंज लाने के लिए, अगर मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये अपने आप तो मूव होगा नहीं, कि भी एक जगह पे है तो ये अपने आप तो मूव होगा नहीं, तो ये एक ये ऐसी प्रॉपर्टी है, मीन्स उसमें चेंज लाने से रोकती है खुद अपने आप, मीन्स अगर उस पर कुछ फोर्स लगेगी ना तो वो मूव करेगा लेकिन तब तक मूव नहीं करेगा, तो इनर्शिया इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, ऑन विच इट डिपेंड्स मीन्स इनर्शिया किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो ये मास पे डिपेंड करती है, जैसे मान लो एक ये बड़ी बॉल है आपके पास और एक ये छोटी बॉल है, तो जिसका मास कम होगा उसके भाई आपको जैसे मान लो इसको मूव करना है, छोटी बॉल को मूव करना है और एक बड़ी बॉल को मूव करना है, तो किस में आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, सीधी सी बात है बड़ी वाली फोर्स में ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब जैसे मान लो एक आपके पास भारी टेबल रखा हुआ है और एक बुक रखी हुई है, जैसे मान लो ये तो बुक है आपके पास और ये कोई भारी सा टेबल है,
तो आपको अगर इनको मूव करना है तो किस में फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, इसमें फोर्स ज़्यादा लगाएंगे ना भारी वाले टेबल में, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, इसके अंदर इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। और जैसे बुक थी इसके अंदर इनर्शिया कम थी, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जैसे ये बॉल का, इस बॉल का मास ज़्यादा है तो इसमें इनर्शिया ज़्यादा होगी, इस बॉल का मास कम है तो इसमें इनर्शिया क्या होगी, कम। तो इट डिपेंड अपॉन मास, किस पे डिपेंड करती है, मास पे। मोर द मास मोर इज द इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। और लेस इज द मास लेस इज द इनर्शिया, उतनी उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, कम होगी। आगे देखो क्या है, टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप की होती है, एक तो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरी क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरी क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गई। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, वो रेस्ट में आने की कोशिश नहीं करेगी, वो मोशन में आने की। तो ये कौन सी होगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सा आ गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो आगे क्या है, टाइप ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इन द स्टेट रेस्ट टू इट्स ओन, मीन्स ये क्या करेगी, अपने आप जो है रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी रेसिस्ट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये क्या करेगा, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, वो क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मीन्स ये डायरेक्शन को रोकने की कोशिश करेगा, भाई जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी में मूव करने की कोशिश करेगा। तो इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी रेसिस्ट टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इट्स ओन, मीन्स ये अपने आप जो है डायरेक्शन को रोकने में मदद करेगा, ठीक है।